तो ये छोटी सी दो चार ट्रिक्स आपको दिखा रहा हूँ, तो अभी जला दूंगा और देखिए आप जब जलाने से ये सब कुछ चला जाएगा। वेज खाता हूं, अभी खाऊंगा। पोर्क खाओगे? पोर्क है। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon so you never miss any video. Well, so what's up guys, YPM Vlogs back here. आज मैं आ चुका हूँ एक रेस्टोरेंट के अंदर जो कि है बैंकॉक में, लेकिन जो खाना यहाँ पे मिलता है वो awesome, बिल्कुल इंडिया की तरह। और साथ में खाऊंगा इस वीडियो के अंदर आपको बड़ी में यूनिक चीज़, क्योंकि आपने मेरे चैनल पे ऐसे अभी तक नहीं देखी होगी, तो इस वीडियो को अभी कुल एंड तक देखना क्योंकि इसमें कुछ होने वाला है इंटरेस्टिंग और अंकल कुछ दिखाने वाले हैं। सो अंकल रेडी हो बिल्कुल वीडियो के लिए? कूल वीडियो, राइट? क्या देखना जी, कूल वीडियो में। सो गाइस चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। वेल सो वॉइस ऑफ गाइस आर यू ब्लॉग बैक हियर। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की एड्रेस के बारे में। तो ये है पूरी लेन 22, इसको बोलते हैं यहाँ पे सॉय 22। सॉय का मतलब यहाँ पे लेन, और सामने है पूरा होटल जो कि है JW मैरियट मार्केस। उसके बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे तो वहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे शॉप जो कि है इंडिगो के नाम से, और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी लेन जा रही है, इसे हम चलेंगे थोड़ा अंदर। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है इंडिगो इंडिया फूड का। और अगर आप यहाँ से राइट लोगे तो आपको देखिए यहाँ पे स्टेयर्स एक बार हमें चढ़ लेते हैं। एंड राइट साइड पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे इनका गेट जो कि इनकी मेन एंट्रेंस इनकी रेस्टोरेंट की। तो एक बार अधिक चलता हूँ आपको अंदर दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथ इंडिगो रेस्टोरेंट के ओनर। आपका नाम क्या अंकल? मिस्टर रविंद्र सिंह। सो एक बार जरा वेदर देखो कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ये देखो पूरा वेदर, बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। और अंकल यहाँ पे अभी कुछ करेंगे डिफरेंट। क्या होता है कि जब आप जाते हो रेस्टोरेंट के अंदर तो आप हो जाते हो बोर खाना ऑर्डर करके, खाना आपका आता है आराम से 15 से 20 मिनट में, लेकिन यहाँ पे अगर आप आओगे तो बिल्कुल बोर नहीं होगे। कैसे अंकल के बारे बताओ? तो सबसे पहले खाने आने के बाद आपको एक छोटा सा मैजिक दिखाएंगे, ठीक है? एंड हर एक टेबल को विल टीच यू वन ट्रिक, एक ट्रिक आपको सिखाएंगे। तो ये छोटी सी दो चार ट्रिक्स आपको दिखा रहा हूँ, इफ यू लाइक इट सो लेट्स मेक लेट मी नो। तो अंकल आप कितनी बताओगे मेरे ऑडियंस को? 5। चलो 5, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपके सामने मैंने शफल किया, तो ये लीजिए शफल हो गया, ठीक है? तो आपके सामने बोलेंगे आपको एक कार्ड उठाने, सो आप कोई भी कार्ड उठा दो और कैमरे को दिखा दो प्लीज, ठीक है? मैं उठा लेता हूँ कार्ड, मैंने कैमरे ने देख लिया ये कार्ड है। एक्चुअली मुझे कार्ड की बिल्कुल नॉलेज नहीं कि कार्ड क्या होते हैं, तो इसके लिए सॉरी, बस मैं देख चुका हूँ। तो आपको ये कार्ड रखा यहाँ पर, तो आपके सामने इसको शफल किया, ठीक है? शफल करते हुए आपने मुझे बोलना है स्टॉप, स्टॉप, तो आपको स्टॉप बोल दिया, ये कार्ड आपका चला गया वापस और ये चले गए जी हमारे सारे डेक वापस, ठीक है? सो नो आइडिया के कार्ड कहाँ पर है, ठीक है? तो इसको हम सिर्फ 3 गिनेंगे और ट्राई टू गेट योर कार्ड बट जस्ट काउंटिंग 3, सो 1, 2 and 3 इज दैट योर कार्ड? नोप। श्योर? श्योर। सो वी कीप द कार्ड डाउन हियर, वी आस्क यू टू होल्ड द कार्ड लाइक दिस, ओके? एंड वी टेक अ मैजिकल पेन एंड टेल यू, टेल मी व्हाट वाज योर कार्ड? इट वाज क्वीन। क्वीन कौन से रंग का था? कौन सी? रेड। रेड डायमंड्स और हार्ट? डायमंड। डायमंड ऐसे वाला डायमंड क्वीन, हाँ जी। तो इसको हमने टर्न करके रखो, ठीक है? हार्ट। ये कार्ड था आपका, डन। तो दैट्स वन ऑफ द स्मॉल इजीएस्ट ट्रिक, राइट? और इसको करते कैसे हैं? ये आप बैंकॉक आए तो आपको दिखाएंगे। तो पहली बात, दूसरा ट्रिक लग से वेरी नाइस ट्रिक, इसको लिया शफल किया, आपके सामने शो कर देने कि आपके कार्ड सारे मिक्स अप, ठीक है? इतने सारे, इतने सारे यहाँ पे कार्ड इन्होंने सारे रख दिए हैं, ठीक? और ये कार्ड सारे मिक्स अप थे, राइट? तो अभी इसको दोबारा एक बार शफल करेंगे और आपको सबसे पहले शफल किया, तो आपके सामने हमारे सबसे पहले जो पेयर आएगा, जो पेयर आएगा तो ये आया पेयर एस का, राइट? ठीक है, एस का पेयर आ गया। तो इसको दोबारा शफल भी कर देंगे, तो ये लेकर हमने खोल दिए सारे पत्ते, ठीक है? तो आपको सर एक कार्ड करना है, जब भी आप मुझे स्टॉप बोलोगे, स्टॉप, तो आपने बोला स्टॉप यहाँ पर, ठीक है? मैं और ये दिया। और एक कार्ड इसके, इन दोनों एस के बाद में वो एक कार्ड रख दिया, ठीक है जी? जो आइडिया नहीं था कि कार्ड कौन सा होना चाहिए, राइट? तो एक छोटी सी आप मुझे मैजिकल बोल दे, तो आपके सामने कार्ड अंदर डाल दिया और रख दिया। तो इन दोनों कांच के नीचे एक कार्ड है जो है 7 ऑफ स्पेड्स, सो गौर से देखें, सारे कार्ड निकाल दिए और ये कार्ड दोनों कार्ड के बीच में एक कार्ड है, वो है 7 ऑफ स्पेड्स, ठीक है? ठीक है जी, आपको कैसे पता है?
तो ये तो मैजिक है सर, अब बैंक आओगे ये सीख लोगे, या तो अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ आपको, जब भी चाहिए कहाँ भी अगर अपना व्हाट्सएप नंबर दोगे ना आपको इतने कॉल आएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। तो व्हाट्सएप नंबर ओनली फॉर यू, इनका जो व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड इनका जो पूरा एड्रेस है रेस्टोरेंट का वो भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। पहले आपके सामने लिया कार्ड शफल कर देंगे, ठीक है, ये हो गया जी कार्ड शफल। और अभी आपने मुझे स्टॉप बोलने से स्टॉप बोले, तो ये कार्ड आपको देखा कि ये कार्ड के सारे देखिए मुझे कार्ड। अब ये कार्ड जो होगा इसकी प्रेडिक्शन है कि आप मुझे फाइव ऑफ हार्ट्स में स्टॉप करेंगे, तो खोलिए सर आपके पास फाइव ऑफ हार्ट्स, फाइव ऑफ हार्ट्स ये सबसे ऊपर वाला बताओ, नहीं नहीं गलत। तो सर क्या है कि मेरे पास लाइटर है और मैं इसको अभी जला दूंगा, और देखें आप जब जलाने से ये सब कुछ चला जाएगा और टेन ऑफ डायमंड्स जो आपने खोला था वही रहेगा। माइंड ब्लोइंग, अंदर डाल दिया, ठीक है, और ये कर दिया लॉस्ट, ठीक है, आपके सामने कार्ड्स कर दिए कट, कोई आइडिया नहीं कि कार्ड का है, इसको दोबारा लेकर एक बार शफल भी कर देंगे, मेक श्योर इट्स लॉस्ट इनसाइड, डन। तो अभी रैंडमली चार पत्ते निकाल दिए सर, आपको अप टू ऊपर वाले चाहिए या नीचे वाले? नीचे वाले, नीचे वाले, तो नीचे वाले लेकर रख दिया वापस ऊपर। अगर आपके पास दो स्ट्रॉज हैं इसके ऊपर रख दूंगा, ठीक है, ये समझो कि आपके हाथ ऊपर है, आपको तीन गिनना है, आपको ये पत्ता उठाना है या ये स्ट्रॉ उठानी है आप उठाओ, 1 2 3 लेफ्ट, ये वाला आपने उठाया, हाँ तो ये उठा कर रख दिया वापस। अभी एक ही कार्ड पड़ा था यहाँ पर, टेल मी व्हाट वाज योर कार्ड, नंबर बता दो बस, सिक्स था क्या, ये ही सिक्स था आपका? यस। और मैजिकल स्ट्रॉज, मैजिकल स्ट्रॉज तो सिंपल स्ट्रॉज हैं, ठीक है जी, इसको लिया और फोल्ड किया, बन गया जी ए फोल्ड, क्लियर है, नाइसली क्लियरली वन फोल्ड मेड, टेक इट अगेन फोल्ड अगेन बट द मिनट टू फोल्ड्स, ठीक है जी, खूब मारो प्लीज, और इसको 1 2 और 3 तोड़ दिया, ठीक है, और ये लेकिन टूटे तो नहीं है, गुड, थैंक यू जी। अच्छा अंकल एक बात बताओ, आपकी जो रेस्टोरेंट थी उसकी वो क्या स्पेशलिटी फूड के अंदर? खाने में सर आपको वेज से नॉन वेज सब कुछ मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा, विद लॉट ऑफ लव एंड विद लॉट ऑफ केयरिंग। ओके, एंड आप नॉन वेज में क्या क्या सर्व करते हो? नॉन वेज में चिकन, लैम्ब, फिश, प्राउन्स, सब कुछ, ठीक है। और इनका तो वेज खाना है अभी तक मैंने वो खाया, इनकी जो चिकन करी है गाइस, ट्रस्ट मी, इतनी ज़्यादा ऑसम चिकन करी है मैंने आज तक नहीं खाई होगी इंडिया के अंदर, मतलब मुझे इंडिया में इतनी अच्छी चिकन करी नहीं मिली, मेरे को बैंकॉक में मिल रही है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम मेनी कस्टमर्स कि इतना खाना है। Yes, of course, thank you, but visit us and we'll have more fun. So, Amma, how does the taste taste? Yummy, as usual. And guys, this is not a sponsored video. This is just my own opinion. Because I liked the cafe, it was good. And in front of me, it's a Marriott. And here is an Indigo restaurant. And it's a good cafe. And what do you want to say? इनका जो बिहेवियर है वो इतना अच्छा बिजनेस वाले इतना अच्छा है कि हमारा खुद दिल कर रहा है कि इनके बारे में वीडियो बनाओ, वीडियो बनाएं। और कल मम्मा का फास्ट था तो मम्मा इन्होंने आपको बिना खोल के खाना दिया तो भी काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा। तो इनका तो गुडविल अच्छा था, उसी वजह से इनकी वीडियो बना रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइस, और बहुत अच्छा है मतलब। और इनके जो ओनर हैं उनके साथ में इंट्रैक्शन करके मैंने दिन में मुझे कुछ क्वेरीज थी, कुछ पूछना था, मैंने इनको फ़ोन किया 3 बार और तीनों बार इन्होंने इतने बढ़िया ढंग से मेरे को जवाब दिया, सो नाइस, मतलब जैसा लगा कि जैसे हम इंडिया में बैठे हैं। मैजिक ट्रिक्स, ऑसम ऑसम, मज़ा आ गया। तो अंकल अभी क्या करोगे? अभी कस्टमर है उनको एक छोटा सा मैजिक दिखा रहे हैं, तो जब तक आपके फूड आता है दिखाते हैं मैजिक ट्रिक, क्योंकि इनकी स्पेशलिटी है। Can I show you small magic before you get drunk? Okay. Can you check these straws out? Are they normal straws? Yeah. Can you blow? सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि जो स्ट्रॉज हैं बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रॉज है कि नहीं है, क्योंकि इनमें एक खास बात है स्ट्रॉज के अंदर। So simply what I'm going to do is I'm going to take it and fold it. Okay. I made it into one fold, clear? Yes. Okay. Take it again and fold again. So this time I got them in two folds, right? Yeah, we have to look into the two folds. Can you just blow please? Harder, please. Watch it nicely, clearly. 1, 2, and 3. I take them out. And they're still going to be normal straws. वैसे अगर आप देखोगे straws तो टूट जाती हैं आराम से, लेकिन ये straws नहीं टूटी। Once you fold it, inside for sure cannot come out, right? Okay. Now that's the second fold. Got them into two folds, right? It was too fast. Two folds, right? Okay. Can you see the two folds? You can check them out. Are they two folds? Can you blow once again, please? Would you mind just giving like holding this tight? Tight means really tight, right? 1, 2, and 3. Wow. Amazing. Now you try this one out. First, have fun. So guys, यहाँ चुका है हमारा food जो कि पूरा buffet है। यहाँ पे छोले, दाल फ्राई, chicken curry, क्योंकि मैं non veg हूँ और मेरी मम्मा veg है। और यहाँ पे rice है, तंदूरी रोटी है।
और यहाँ पे मम्मा की है मिक्स वेज, दाल फ्राई और छोले। तो ये देखो पूरा राइस। आप वेज खाते हो? वेज खाता हूँ, अभी खाऊंगा। पोर्क खाओगे? पोर्क है, पोर्क डक। तो गाइज ये थी वीडियो इस रेस्टोरेंट की, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इसकी जो टाइमिंग है रेस्टोरेंट की वो है 12 से 12 यानी कि 12 PM to 12 AM एंड टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा औसम है खाने का। सो यू कैन विजिट दिस रेस्टोरेंट, यहाँ का जो एड्रेस आपको देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो यू कैन कम एंड चेक इट आउट। काफ़ी ज़्यादा कूल रेस्टोरेंट है, अच्छा खाना मिल जाता है। सो इस व्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देन बाय। और यहाँ पे आकर के अंकल को बोल देना, मतलब परेशान कर देना अच्छी तरह से कि भाई मैजिक ट्रिक्स तो सिखाओ कम से कम, सिखाओ सिखाओ सिखाओ, वो सिखा देंगे। चलो बाय।